नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके सज्जना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। जयपुर की दूसरे सबसे बड़े एलिवेटेड रोड बनकर के तैयार हो गई है, अब केवल उसके फीता काटने का इंतजार है। जेडीए ने इसके उद्घाटन का प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भिजवाया है। संभावना है कि इस सप्ताह इस एलिवेटेड रोड का लोकार्पण हो सकता है। इस रोड के शुरू होने से हवा सड़क 22 गोदाम चौराहा पर ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी निजात मिलेगा। वहीं अंबेडकर सर्किल से जिन लोगों को सोडाला सब्जी मंडी तक जाना है तो उसको भी महज 10 मिनट लगेंगे। दीपावली से पहले राजस्थान में बिजली संकट गहराने लगा है। लगातार कटौती और बिजली बनाने वाली यूनिट्स के बंद होने से इसकी आशंका अधिक हो गई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कोयले की किल्लत इस पूरे संकट की जड़ में है। विभागीय अधिकारियों को इस परेशानी के लिए जिम्मेदारी माना जा रहा है क्योंकि उनकी लापरवाही के चलते राजस्थान में अब केवल 4 दिन का कोयला बचा है और इस कारण राजस्थान के 4 बिजली घरों की 11 यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही में रविवार की शाम को भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक दुर्गा पंडाल में आग लगने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 47 की हालत अभी गंभीर है। इनके अलावा 15 लोग मामूली रूप से झुलस गए और इन सभी को वाराणसी के BHU रेफर भी कर दिया गया है। हादसा औराई क्षेत्र के नरथुआ में हुआ और बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त पंडाल में करीब 150 लोग मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक आग उस समय लगी जब पंडाल में भगवान शंकर और काली माँ के नाटक का मंचन चल रहा था। इससे अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। राजस्थान में 7 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक विधायकों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। इससे उठे बवाल के बाद पार्टी में अब भी अंदर खाने सियासत गर्मा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑब्जर्वर बनकर के आए मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन पर अब इशारों में सवाल उठाए हैं। गहलोत ने रविवार को कहा कि जब यहाँ लगा कि मैं अध्यक्ष बन जाऊँगा तो नया CM आएगा। इससे 102 विधायक इस कदर भड़क गए कि उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्हें इतना क्या भय था? ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण रहे? इस पर तो रिसर्च करनी ही चाहिए। ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वे कांग्रेस अध्यक्ष की सोच व्यवहार के ढंग से काम करें ताकि वह आरा बना रहे। राजस्थान का केस अलग हो गया है, यह तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सुप्रभात, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बताइए, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।